नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें दिल्ली के आईटीओ पर, जहां सीए के बच्चे जो चार्टेड अकाउंटेंट का जो कोर्स करते हैं, वो यहां पर देखिए हजारों की संख्या में जो बच्चे यहां पर जो है युवा और युवतियां जो यहां पर इकट्ठा हुई हैं और अपना हक अधिकार यहां मांग रहे हैं। और हम जानना चाहेंगे जो सीए के जो टीचर है और स्टूडेंट है, उनसे हम जानना चाहेंगे उनकी समस्या है आखिर क्या है। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम गौतम है जी, मैं दिल्ली से हूँ। मेरी मांग ये है कि सीए का एग्ज़ाम जो होता है वन ऑफ द टफेस्ट ऑफ इंडिया होता है, लेकिन इसका मूल्यांकन सही नहीं होता है। रैंडम बेसिस पर नंबर दे दिए जाते हैं, किसी को पास कर दिया जाता है, किसी को फेल कर दिया जाता है। जो आंसर सही रहते हैं उसको गलत कर दिया जाता है, जो गलत रहते हैं उसको सही कर दिया जाता है। इसमें कोई भी पास हो जाते हैं उसमें पता नहीं चलता है, ज्योतिष विज्ञान की तरह किसी को पास कर दिया जाता है। उसको हम लोग चाह रहे हैं कि रीचेकिंग हो, उसका मूल्यांकन सही हो, ताकि जो बच्चे जो फेल कर गए हैं वो सही आंसर के बदौलत पास हो जाएँ। तो जो कमेटी है वो क्या कहती है? कमेटी जो कह रही है, उनको बार बार लेटर दे दिया जाता है, मेल किया जाता है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। वो बोले कि जो चेक हो गया चेक है वही भ्रम सत्य है, उसको चेक नहीं किया जा सकता, फिर से रिवैल्यूएट नहीं किया जा सकता है। मतलब आपकी जो समस्याएं हैं, जैसे आप कहते हैं कि भाई एक बार फिर से चेकिंग किया जाए, फिर से चेकिंग तो उस पर दोबारा से चेकिंग वो नहीं कर रहे हैं। नहीं चेकिंग कर रहे हैं, बोले कि मेरा पुरानी रूढ़िवादी विचार से चला आ रहा है, वही नियम है, उसी को मैं फॉलो करता हूँ, नया समय नहीं करूँगा, नया नंबर नहीं दूंगा। मतलब जिसने पूरे साल मेहनत की है, पूरे साल पढ़ाई की है, और वो अगर अपने पेपर चेकिंग अगर करने के लिए कह रहा है तो उसको इग्नोर किया जा रहा है और मना किया जा रहा है। साहब, बिल्कुल बिल्कुल मना किया जा रहा है, जबकि दुनिया में हर इंस्टीट्यूट जो अकाउंटिंग बड़ी है उसमें ये सुविधा मिला हुआ है। यहाँ की दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिया हुआ है, लंदन से कॉपी किया गया है इंस्टीट्यूट, वहाँ दिया गया है, हर जगह ये सुविधा मिली हुई है, लेकिन यहाँ नहीं दिया जाता है। यहाँ कुछ ही लोगों की चलती है, वही अपना डिटरमाइन करते हैं, सारा पॉलिसी बनाते हैं और वही पास कौन करते हैं। इंस्टीट्यूट की आप बात कर रहे हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जी। तो जी, ये इसमें कितने कितने बच्चों का जो है वो जो गलत डिग्री है वो बनाई गई है? गलत डिग्री ये तो मैं नहीं कहूँगा कि गलत बनाई गई है या नहीं, जो कि वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है उसको सही गलत करना, लेकिन इसका मूल्यांकन वर्षों से बहुत बेकार होता आ रहा है। इसको ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए इस इंस्टीट्यूट की। और भी बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई है, लेकिन इसको कुछ ही लोग चलाते हैं, वो सही नहीं कर रहे हैं, बस अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपना जीत के आ रहे हैं और खा रहे हैं, बस कर रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट आप कब से कर रहे हैं? एक प्रोटेस्ट तो पिछले साल भी किया गया था, लेकिन छोटे स्तर पर हुआ था, मेल किया गया था, इंस्टीट्यूट ने बोला था कि हम सही कर देंगे, लेकिन नहीं उन्होंने किया। मतलब तो आश्वासन दिया गया था? आश्वासन दिया गया, तो फिर हमने कल से शुरू किया है इस प्रोटेस्ट को फिर से कि अब तो होनी ही चाहिए। तो अच्छा, सरकार क्या कहती है? आपने सरकार को भी मेमोरेंडम दिया होगा, उनको उससे भी गुहार लगाई होगी? सरकार को भी दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा संचालित हो गया है। 1949 में ये गठित हुआ था संसद के द्वारा, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को दे दिया गया है, लेकिन वहाँ भी कोई उत्तर सही नहीं आया है कि कैसे इसको संचालित करें। सरकार को चाहिए कि इस इंस्टीट्यूट पे काफ़ी ध्यान दे, क्योंकि सीए जो होता है इसकी रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अनियमितताएं भी बहुत है जी। इस तरह इसका क्रेडिबिलिटी घट रहा है, अगर इस तरह मूल्यांकन करेगा तो सही बच्चे नहीं पास कर पाएंगे, और जो रैंडम बेसिस पर ज्योतिष विज्ञान की तरह पास कर जाएंगे वही मार्केट में आएंगे जी। जी देखिए, बिल्कुल शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, वो भ्रष्टाचार की तरफ जा रही है। इन सभी युवाओं का और स्टूडेंट का बिल्कुल साफ आरोप है कि चेकिंग नहीं की जा रही है। इन्होंने बार बार जो है कई सालों से जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि समस्याएं उनकी बढ़ती जा रही है, मगर उसको निजात नहीं पा रहे हैं वो। तो सरकार भी इसमें जो है गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। तो काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में देखिए यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो इकट्ठा है और अपने हक अधिकार की जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि अच्छी तरीके से जो है वो पेपर चेक किया जाए, जिसने मेहनत की है, जो पास हुआ है उसको पास किया जाए, और जिसने नहीं किया उसे बेशक फेल कर दिया जाए। जी यही कहना चाहते हैं? जी यही कहना चाहते हैं, इसकी रीचेकिंग होनी चाहिए, अभी हमारी यही होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए बोल, क्योंकि और इंस्टीट्यूट में भी ये प्रदान किया गया सुविधा, वर्ल्ड वाइड दिया गया है, यहाँ भी होनी चाहिए सुविधा, इस तरह जी हमारी मांग है। चलिए तो हम आपसे मिलाए इनको, स्टूडेंट जितने भी सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो कोर्स कर रहे हैं वो जो है दुखी है और सरकार से जो है गुहार लगा रहे हैं कि इसकी जो चेकिंग है वो अच्छी तरीके से की जाए और कमेटी को जो है वो अच्छे तरीके से हिदायत दी जाए कि जो सही पास करता है उसे पास की जो है डिग्री मिलनी चाहिए, और जो फेल होता है वो फेल भी हो सकता है, कोई बात नहीं। तो चलिए, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल आपका अपना चैनल, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।